खबर दिल्ली से है, जहां विल्कीस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा की माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, तो वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार ही इस पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो न्यायिक फैसला आया है, उस पर हम बात करते हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी के साथ। मैम, आपको सबसे पहले बधाई राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पे। मैम, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यायिक फैसला आया, उससे बिल्किस बानो ही नहीं कई भारत के लोगों को भी बहुत उम्मीद हो गई है कि न्याय अभी भी जिंदा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मणिपुर डबल इंजन की भाजपा की सरकार के तहत आदिवासी बेटियों को थाने से घसीट कर बाहर लाया गया और सामूहिक बलात्कार किया, किसके आदेश पे कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई। थोड़ा आगे आ जाइए, जब आप हरियाणा आती हैं तो आप देखती हैं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश एफआईआर के आदेश के बाद एफआईआर होती है, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे आप, उत्तर प्रदेश डबल इंजन की फिर सरकार, मणिपुर में डबल इंजन, आपके हरियाणा में डबल इंजन, आपके उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बीएचयू में आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, 2 महीने तक कार्रवाई नहीं होती। कारण कि तीनों बलात्कारी भाजपा से जुड़े हुए थे, तीनों बलात्कारी व्यस्त थे भाजपा के साथ नेताओं के साथ 5 राज्यों के चुनावी प्रचार और प्रसार में। उस दौरान अगर गिरफ्तारी होती तो भाजपा को नुकसान हो सकता था, इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए था तो उन्हें वो प्रचार में इस्तेमाल करती रही। लेकिन जब दबाव बना, कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, तो ये कार्रवाई हो रही है। बिल्किस बानो वाले मामले में भी 21 साल की 5 महिला हमारी बेटी बहन 6 महीने के गर्भ से थी, 11 लोगों की उनके परिवार में हत्या कर दी जाती है और 11 लोग सामूहिक 7 लोगों की हत्या की जाती है, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन्हें रिहा करने का काम देश के प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे 15 अगस्त 2022 को, उसी दिन इन 11 बलात्कारी हत्यारों की रिहाई गुजरात की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार की मोहर पर करती है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और उन्हें दोषी बताते हुए वापस 2 हफ्ते में जेल भेजने को कहा गया है। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पलटने का काम संख्या के दम पर केंद्र की सरकार ने किए हैं। हमें यह है कि इन अपराधियों को बचाने के लिए, इन्हें 24 में प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करने के लिए और वोट पाने के लिए क्या इन्हें जेल भेजेगी या प्रचार में भेजेगी? कहीं ना कहीं मैम, भाजपा इस पे टीका टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। बिल्किस बानो से रिलेटेड हो, चाहे संसदीय क्षेत्र जो प्रधानमंत्री का था, वहाँ पर भाजपा के जो अधिकारी थे उनके ऊपर भी आरोप लगे थे आईआईटी के जो बालिका। देखिए, दो है, या तो अपराधी इनसे सीधे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर नहीं बचाएंगे तो खुद भी मारे जाएंगे। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? यूं ही तो नहीं हरियाणा में किसी को बार बार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। क्या कारण है कि एक बलात्कार के दोषी को पैरोल मिल रही है 7 बार? क्यों नहीं देंगे तो क्या कर देगा? पता नहीं कितनों को बेनकाब कर जाएगा वो, है ना? आप समझ रहे हैं? सो बात यह है कि पूरी तरह भाजपा के अंदर ये तस्वीरें, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये विधायक हैं, नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी हैं, ये सजा हो गई है इन्हें, लेकिन भाजपा के सम्मानित संस्कारी सदस्य आज भी बने हुए हैं, क्योंकि इनका इन्हीं से वोट भाजपा को मिलता आया है और इन्हीं से मिलेगा, ये है। और बेटियां जो हैं वो न्याय की लड़ाई, अब हम जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर, मणिपुर से शुरू हो रही है, पूर्व से पश्चिम तक जाएगी और बिल्कुल बेटियों को न्याय हम दिलाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा। मैं आरती राय, A1 TV, दिल्ली।